ओवेरियन सिस्ट में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर हॉर्मोन्स लेना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है. सो हाउ डू दीज हॉर्मोन्स वर्क? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, दे आर हॉर्मोन्स जो कि एक फीमेल की बॉडी में एक सर्टन अमाउंट में स्लो इनिशियली रिलीज होता है, मिड साइकिल बढ़ता है, बाद में कम हो जाता है. बट जब आप ये मेडिसिन लेते हो तो आपका एक सर्टन अमाउंट ऑफ लेवल हॉर्मोन्स का बना रहता है. जब ये लेवल बना रहता है, बॉडी को लगता है मुझे कोई हॉर्मोन बनाने की जरूरत नहीं है, एंड जो उसकी हॉर्मोनल एबनॉर्मैलिटी होती है वो खत्म हो जाती है. सिर्फ एक्सटर्नल हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में होते हैं, इंटरनल बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं. सो हाउ डज दिस वर्क? जो भी हॉर्मोनल पैथोलॉजी रही जिसके कारण इनिशियल सिस्ट बनी, एक तो वो हॉर्मोनल पैथोलॉजी खत्म हो जाती है तो फर्दर सिस्ट नहीं बनती है. जो एग्जिस्टिंग सिस्ट होती है उसकी भी इंसल्ट नहीं होती है. सो उसका भी एक रेगुलर साइज बना रहता है एंड इवेंचुअली उसका फ्लूइड अब्सॉर्ब हो जाता है. थर्ड थिंग, जो आपके एनोवुलेशन के कारण सिम्टम्स हो रहे थे, एबनॉर्मैलिटी आ रही थी, वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं बिकॉज हॉर्मोन स्टेबिलाइज हो जाते हैं. तो ओवेरियन सिस्ट के साथ जो सिम्टम्स होते हैं वो भी धीरे धीरे करके आपके कम हो जाते हैं. देन फ्रेश सिस्ट जो होती हैं वो नहीं बनती हैं बिकॉज जो हार्मोनल ट्रिगर होता है वो तो अब एब्सेंट हो गया है, या फिर एनोवुलेशन के भी चांसेस कम हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क. हाउएवर दी सिस्ट दे गेट रिजॉल्व ऑन इट्स ओन, बट विद ओसीपीज दे गेट रिजॉल्व फास्टर. थैंक यू.